हेलो फ्रेंड्स, आज हम बता रहे हैं डीएनसी के इंस्ट्रूमेंट कैरी करने कैसे हैं। ग्लव्स रखने हैं, ये होता है आपका वॉशिलम, इसको यूट्रस को क्लैंप करने के लिए होता है। डायलेटर, डायलेटर का काम है यूट्रस को डायलेट करना, ये इसे कहते हैं क्यूरेटर्स। दो अलग अलग नंबर के आते हैं, जो भी यूट्रस में जो भी प्रोडक्ट मतलब करते हैं, सफाई क्लीन करते हैं उसको अच्छे से क्यूरेट करने के लिए। ये आता है ओवम फोर्सेप। ओवम फोर्सेप का काम है कि जो भी प्रोडक्ट अंदर का है उसको इंसर्ट कर बाहर निकालना, आउट करना। ये है यूट्रन साउंड, मतलब यूट्रस की लेंथ के बारे में नापना है। ये भी आपका आ जाता है ओवम फोर्सेप। ये सिम्स स्पेकुलम, स्पेस देने के लिए, पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए वजाइना को, इसलिए काम आता है। और कुछ आपके सेक्शन ट्यूब, जो कि सेक्शन मशीन में लगा के अच्छे से कहते हैं सेक्शन कैनुला, जो सेक्शन ट्यूब में कनेक्ट करके सेक्शन मशीन से लगा के इसमें क्लीन किया जाता है। कुछ गोज पीस रखे जाते हैं जो कि अच्छे से क्लीन करने। सो फ्रेंड, डीएनसी इंस्ट्रूमेंट सब कैरी हो चुके हैं। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि डीएनसी के लिए सारे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं। तो आप देख के अपनी ट्रॉली लगा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। डीएनसी के लिए सारे इंस्ट्रूमेंट आप लगा सकते हैं। सो फ्रेंड, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करें।